दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो नोटिफिकेशन निकल के आ रही है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सीधे निकल के आती है UPSC EPFO के द्वारा निकल के आती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है फ्रेंड। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस डेट रहेंगी, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज लिमिट कितनी रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रखे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रखी गई हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे, क्या सिलेबस है, इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं आप अपना टाइम सेव करने के लिए। तो हम इस वीडियो में केवल और केवल इम्पोर्टेंट बात को ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कमाल के 100% जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकल के आती है अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे SC के लिए 57, ST के लिए 28, OBC के लिए 78, EWS के लिए 51 एंड इसी तरीके से UR के लिए एंड PWD के लिए निकल के आती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर लें तो जो सभी कैटेगरीज वाइज तीनों नंबर ऑफ पोस्ट इसमें तीन निकल के आती है। अगर बात कर लें तो कितनी है, 577 वैकेंसीज निकल के आती है, 577 वैकेंसीज निकल के आती है जो कि तीन पोस्ट में डिवाइडेड है। एक EO की पोस्ट पे डिवाइडेड है, एक AO की पोस्ट निकल के आती है एंड एक APFO की पोस्ट निकल के आती है। इन तीनों पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ईओ की क्या है इन्फॉर्म ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट्स बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ईओ की यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स की जो है वैकेंसी निकल के आती है जो कि एम्प्लॉय एंड जो थर्ड है हमारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में वैकेंसी निकल के आती है। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी के थ्रू ये वैकेंसीज निकली है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अपने आप में अच्छी वैकेंसीज है और इसके में जो है काफ़ी अच्छी सैलरी लेवल भी देखी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीजल से भी अच्छी पोस्ट है इसमें। इसमें जो सैलरी लेवल आपको देखने को मिलेगा वो लेवल एट से लेके लेवल 10 के बीच में इसमें जो सैलरी रहती है, जो सीजल की जो सैलरी लेवल रहती है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग रहती है। फिर तो इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को आप सभी को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लीजिए, जो इसमें जो मिनिमम एज मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो ईओ एंड एओ पोस्ट के लिए वो 30 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज ए पी एफ ओ के लिए जो रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। एज 35 ईयर्स जो है वो एज रखी गई है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे हैं केवल और केवल अगर आपने डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स बात कर लें कि कब से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरने। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी लगेंगी जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए 50 रुपये फॉर्म फीस रहेंगी एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस रहेंगी। ठीक है, 25 रुपये फॉर्म फीस रहेंगी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए जो है वो 0 रुपीज़ फॉर्म फीस रहेंगी फ्रेंड्स। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने फीस डबल बता दिया है। अगर जनरल कैंडिडेट्स हो आप, जनरल कैंडिडेट्स हो मेल
या EWS या OBC कैंडिडेट्स हो तो 25 रुपये आपको फॉर्म फीस रहेंगी। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 50 रुपये लगेंगी फॉर्म फीस, 25 25 50, ठीक है। एंड SC ST एंड फीमेल ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 0 रुपये फॉर्म फीस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ और हम इम्पोर्टेंट्स बात देख लेते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से तो आपको प्रॉपर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। OBC के लिए 3 इयर्स के लिए एंड SC ST के लिए 5 इयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसमें इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है इसका। आपका यहाँ देख सकते हैं जो टेस्ट होगा आपका पेपर 1, वो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। इसके द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का जो आपका एग्ज़ाम्स रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के समान नंबर होंगे। टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स इसका जो होगा पेपर होगा फ्रेंड्स। पेपर का जो मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड 1 रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग्स भी इसमें देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस क्या रहेगा आपका। इन सभी टॉपिक से आपका जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी सब्जेक्ट से आपके, ठीक है। जो सेकेंड एग्ज़ाम्स होगा उसमें ये सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से आप रेडी कर सकते हो। और इसके आप चाहो तो मॉक टेस्ट लगा सकते हो या प्रीवियस ईयर्स का पेपर पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसमें इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह आप ले सको, ठीक है फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं, 70 से भी ज़्यादा, 80 79 के आसपास जो है इसमें एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। आप इन एग्ज़ाम सेंटर को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, किसी भी 3 एग्ज़ाम सेंटर पे प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप अप्लाई कर सको और अच्छी पोस्ट पे आप नौकरी ले सको। अगर आपका एक सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही 100% जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा कमेंट्स का। अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय हिंद, धन्यवाद।